Hello students, today we will read new poem Today and Tomorrow written by J.E. Carpenter. In this poem, the poet explains about the importance of present time. This poem is full of wisdom. We know that time is like sand in our hands. It always drifts away slowly from our hands. So we should not delay to do any work. In Hindi literature, the famous poet Kabir Das has also given stress on time. He wrote a couplet on the importance of time. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. Through this couplet, he says that we should not make any delay to do any action. We don't know what happened after a minute or after an hour. So let's start the poem. Don't tell me of tomorrow, give me the man who will say that when a good deed's to be done, let's do the deed today. यहाँ पर कवि कहता है कि मुझसे कल की बात मत करो. वहाँ यहाँ पर वो कहता है कि मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जो कल पर काम को डाल देते हैं, यानी कि एक्शन जो है वो कल पर डाल देते हैं. वो ये कहते हैं कि हम कल काम करेंगे. गिव मी द मैन, यानी मुझे वो व्यक्ति पसंद है. वो उस व्यक्ति की तारीफ करता है पोइट हु विल से, जो ये कहता है दैट वैन अ गुड डीड्स टू बी डन, कि जो काम करना है वो काम आज ही किया जाए. लेट्स डू द डीड टूडे, जो ये कहता है कि जो काम हमें करना है वो आज ही हम उस काम को कर लें. यहाँ पर कवि को वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो व्यक्ति कल पर काम डालता है, बल्कि वो उस व्यक्ति की तारीफ करता है कि जो व्यक्ति आज काम करने के फेवर में है. यानी कि यहाँ पर कवि ये कहता है कि जो काम करना है वो हम आज ही कर लें. यहाँ पर हम पोएम की राइमिंग स्कीम देखते हैं कि लास्ट वर्ड्स हम देखेंगे. इन फर्स्ट लाइन टुमारो, सेकेंड लाइन से, थर्ड लाइन डन एंड लास्ट लाइन टुडे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली और तीसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है टुमारो एंड डन, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है साउंड का. और जो सेकेंड लाइन है से एंड लास्ट लाइन है टुडे, इन दोनों शब्दों के बीच में एक कॉम्बिनेशन है, साउंड का कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पर इसकी जो राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी एंड सी बी, यहाँ पर इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी इस पोएम की, ए बी एंड सी बी. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं. वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट इफ वी एक्ट एंड नेवर वेट. यहाँ पर पोएट ये कहता है कि हम जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान समय है, उसके ऊपर हम कमांड कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं जब हम तुरंत एक्शन करें, तुरंत काम करें. इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, और कभी भी किसी काम को करने का इंतज़ार ना करें कि अच्छा समय आएगा तो हम उस काम को करेंगे या कल हम उस काम को करेंगे. यानी हम काम को तुरंत करके उस वर्तमान समय को के ऊपर हम काबू पा सकते हैं. बट लेकिन रिपेंटेंस इज द फैंटम ऑफ अ पास्ट दैट कम्स टू लेट. अगर हम किसी भी काम को हम कल पर डालते हैं या बाद में करने पे डालते हैं तो हमारे पास पछतावे रूपी फैंटम के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा. पछतावा रूपी फैंटम, यानी फैंटम का मतलब होता है भ्रम, छलावा या भूत. यानी कि यहाँ पर पछतावे को एक छलावे के रूप में पोएट ने बताया है.
डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, देयर इज मच टू डू टूडे, यानी मुझसे कल के बारे में बात मत करो, कोई भी काम कल पे मत डालो। देयर इज मच टू डू टूडे, आज ही हमारे पास बहुत सारा समय है काम करने के लिए, आज ही हमारे पास बहुत काम है जिस काम को हम आज कर सकते हैं। दैट कैन नेवर बी अकॉम्प्लिश्ड इफ वी थ्रो द आवर्स अवे, अगर हम उस काम को अगले घंटों के लिए डालेंगे या अगले आगे समय पर डाल देंगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। एवरी मोमेंट हैज इट्स ड्यूटी, हर पल का एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, कौन फ्यूचर के बारे में बता सकता है, फोरटेल का मतलब यानी कि भविष्य बताना, कौन भविष्य के बारे में आगे हमें बता सकता है। देन तो वाई पुट ऑफ टिल टुमारो, तो हम आगे का काम जो काम है हम कल पर क्यों डालें, जब हम फ्यूचर हम अपना भविष्य नहीं बता सकते कि हम उस काम को कल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हम उस काम को कल पर क्यों डालें। वॉट टूडे कैन डू एज वेल, तो हम उस काम को आज ही क्यों नहीं कर सकते हैं, और हमारे लिए वो काम करना आज ही क्यों नहीं अच्छा हो सकता है। सो बेटा इस पोयम से हमें सबसे बड़ी ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी काम को हमें कल पर नहीं डालना चाहिए, जो भी काम हमें मिल रहा है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोयम।